गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी आर टी यूट्यूब चैनल। आई बी स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट में जो आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली जर्नल डिस्कशन है अबाउट द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज बेसिकली अ सम ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो बेसिकली कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिलीव्स और वैल्यूज का ओरिजिन है, हिस्टोरिकल ओरिजिन को डिस्कस करेंगे किस तरह से बिलीव्स और वैल्यूज ओरिजिनेट। एथिक्स वैल्यू डिनोट्स द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग और एक्शन। एथिक्स के हिसाब से वैल्यू क्या है? वैल्यू इज बेसिकली द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग सम एक्शन विद द एम ऑफ डिटरमाइन व्हाट एक्शंस आर बेस्ट टू डू एंड व्हाट वेज इज बेस्ट टू लिव। तो वैल्यूज का हिसाब का मतलब ये होता है कि वैल्यू की डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस होती है अबाउट द थिंग, अबाउट द एक्शन। और एथिक्स के हिसाब से इट इज ऑल्सो अ वे टू बेस्ट लिव, किस तरह से हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और टू डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट एक्शंस, कि किस तरह के एक्शंस सिग्निफाइज होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए, वो हमारी वैल्यूज होती हैं। जैसे हम से कहा जाता है कि हमें अपनी वैल्यूज का के बारे में सोचना चाहिए, वो वैल्यूज जो हमें सिखाई गई है। वैल्यूज बेसिकली द डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस जो किसी भी एक्शंस को सिग्निफाई करती है। वैल्यू सिस्टम आर बेसिकली द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिलीव्स, दे अफेक्ट द एथिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। वैल्यू सिस्टम से बिलीव्स बनती हैं जो लोगों का एक बिहेवियर है उसको इम्पैक्ट करती हैं। प्राइमरी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं एंड सेकेंडरी वैल्यूज आर सूटेबल फॉर चेंजेस। वैल्यूज भी प्राइमरी होती हैं और सेकेंडरी भी होती हैं। व्हाट मेक्स एन एक्शन वैल्यूएबल में डिपेंड्स ऑन योर एथिकल वैल्यू, किस तरह की एथिकल वैल्यू आप रखते हैं वो आपके एक्शन को डिफाइन करती है। इफ यू आर ऑनेस्ट तो यू विल डू ऑल द एक्शन दैट विल लीड टू ऑनेस्टी, तो वो आपकी एथिकल वैल्यू है जो आपके एक्शन को जस्टिफाई करेगी। ठीक है, वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज समथिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। सच वैल्यूज रिफ्लेक्ट अ पर्सन सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल, शुड ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ये सब वैल्यूज हैं जो हम सोसाइटी में सीखते हैं। वैल्यू टेंड्स टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, और वैल्यू से हमारा जो एटीट्यूड है जो बिहेवियर है वो इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन, तो आपका बिहेवियर भी हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो अनपैक होता है। सच एज यू शुड बी कैटिफाइन टू वाइस वर्चुअस, पर्सनल वैल्यूज एग्जिस्ट इन कल्चरल वैल्यूज। अब हम बात करते हैं पर्सनल वैल्यूज की, तो पर्सनल वैल्यूज में वॉट इज गुड, वॉट इज बेनिफिशियल, वॉट इज यूजफुल, ब्यूटिफुल, डिजायरेबल, कंस्ट्रक्टिव, तो ये सब पर्सनल वैल्यू के अंदर आता है। ओवर टाइम पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल वैल्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल फाइंड डिफरेंट डे टू डे। चेंजेस भी आते हैं, लॉ कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से लोगों की जो वैल्यूज हैं वो चेंज भी होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर अकम्प्लिशमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये एलओबी मैनेजमेंट स्टडीज है, दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज इज नोन एज एलओबी वैल्यूज। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन मैनेजमेंट स्टडीज को एलओबी कहते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एंजॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, यही तो वैल्यू होती है जो हम सोसाइटी में सीखते हैं और शेयर करते हैं। और उसी हिसाब से उसको कैटेगराइज कर देते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल फैक्टर एंड नॉन पर्सनल फैक्टर। कल्चरल वैल्यूज की बात करें कि ऐसी वैल्यूज जो सोसाइटी में रहना आसान बनाती है, कल्चर को फॉलो करने में मदद करती है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ इन द स्टेट ऑफ माइंड इन विच पर्सन थिंक समथिंग इन केस विदाउट ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट समथिंग इज द केस ऑफ फैक्चुअल सर्टेनिटी। अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग बिलीफ, भाई बिलीफ होती है हमारी मान्यता, जो हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ थिंकिंग है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। लाइकलीहुड ऑफ समथिंग बीइंग ट्रू, भाई ये चीज ठीक है, ये मेरा बिलीफ है, ये धारणा है, ये मान्यता है। टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट आर आइडेंटिफाइड विद रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ। ठीक है, अब इसके अलावा हम अगर इसको शॉर्ट में डिस्कस करें तो बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अपब्रिंगिंग होने की वजह से लोगों के बिलीफ सिस्टम अलग हो जाते हैं। भाई जैसे कोई बच्चा जॉइंट फैमिली में रह रहा है और कोई इंडिविजुअल में रह रहा है, तो उनकी जो बिलीव्स हैं, थॉट प्रोसेस है, अलग अलग होंगे, उसी हिसाब से दे विल ट्रीट द पीपल। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ फॉरेबल कॉन्सेप्ट है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, जिस मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन, क्या क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कल्चर आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो कल्चर आइडेंटिटी का यहाँ पर मतलब है बेसिकली डिफाइंड एज अ वैल्यू एटीट्यूड वे ऑफ डूइंग थिंग्स बाय अ पर्सन। रेशियल आइडेंटिटी का मतलब है हाउ वन्स मेंबरशिप इज टू अ पर्टिकुलर रेस,
ठीक है। इसके अलावा आपका इम्पैक्ट होता है एथनिक आइडेंटिटी, रोल ऑफ एथनिसिटी प्लेज इन टू हाउ को वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विल वर्क इन अ सेम प्लेस, जेंडर रोल्स पे इसको इम्पैक्ट करना होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और सोशल क्लास। तो ये कुछ इसके पॉइंट हैं जिससे लिंक के साथ आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करें। यहाँ पर मैं इसको फिर से जनरलाइज करा देती हूँ कि वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, कल्चर आइडेंटिटी, रेशनल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में इसका इम्पैक्ट होता है, सोशल क्लास में, एज में और रोल्स आइडेंटिटी, व्हाट टाइप ऑफ रोल अ पर्सन प्ले इन सोसाइटी, एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा सोशल क्लास में इम्पैक्ट होता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जेंडर रोल्स, एथनिक आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये सब इम्पैक्ट है जिसको आप वर्ड टू वर्ड फॉलो भी कर सकते हैं या मैंशन किए गए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ऑडिबिलिटी के साथ उसको सुनेंगे और ईयरफोन्स के साथ ऑडिबिलिटी ईजी रहेगी, समझ में आएगा आपको। और ये जो नोट्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे जिससे कि आप इन्हें वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकें। और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ यू कैन कनेक्ट। थैंक यू।